कराची च साडा दूसरा दिन आ और मैं जिहड़ा वा पहुंचिया वा फेरियर हाल। बड़ी खूबसूरत इमारत आ, बाटल फेरियर दे नाम तो जिहड़ा सीगा शख्स उहदे नाम तो जिहड़ा वा इहदा नाम रख्या गया सीगा। और इहदे च लाइब्रेरी भी आ और इहदे ते लकड़ी और जिहड़ा वा वाइट पत्थर और दीगर जिहड़ा अजला तो लियान वाले पत्थरों का जिहड़ा ना वो काम किया गया सीगा। और ए सामने जिहड़ा वा बरतानिया दे ताज दी शक्ल दा जिहड़ा इन्होंने वो मीनार बनाया गया। और दूसरी तरफ इहदे दूसरी तरफ जाइए ना उत्थे भी एक मीनार जिहा वा, लेकिन उहदे उत्ते मुर्ग वगैरह लग्या जिहड़ा हवा दा ताइन जिहड़ा वा वो दसदा सीगा। ऐ जिहड़ा वा वाइट पत्थर दे नाल जिहड़ा इत्थे काम होया वा और बड़ा खूबसूरत और तारीखी यह इमारत है वा। और इहदे च 1,80,000 रुपये का जरा खर्चा होया सीगा उस दौर दे विच, जिहदे च कराची दा दे जिहड़ा लोगां दा भी खर्चा सीगा, जिहड़ा चंदा सीगा वह कराची दे लोगां ने भी दिता सीगा, जिहदे च जिहड़ा 22,500 रुपया जिहड़ा सीगा वह तकरीबन बनिया सीगा। और इहदे आस पास जिहड़ा वा वह पार्क आ और ओ बड़े खूबसूरत अंदाज दे नाल जिहड़ा ना ये बनिया वा। और पार्क दे जिहड़ा ओ लगा फुहारा लगा वा उहदे विच मलका विक्टोरिया दे जिहड़ा मुजस्मा ओ भी बनिया वा, ओ अगर मैं तुहानू दिखाना ए पार्क दे विच ही नाल ही आ। और ये शहर दे तकरीबन विच वा जिहड़ा ना, यदि एक साइड ते जाइए सदर ते कायदे आजम दा जिहड़ा वा मज़ार ओ आंदा वा, और दूसरी तरफ जाइए क्लिफ्टन ते ओ जिहड़ा होर साइड आंदी वा मैं जिहड़ा देखिया। और बहुत खूबसूरत जिहड़ा वा है वा इत्थे, असी अज दूसरा रोज़ आ, असी अगे भी जिहड़ा जाना वा, लेकिन असी क्या भी पहले जिहड़ा वा करीब ओ तुहानू जिहड़ा ना असी दिखा दईए। अगे निकलदे आ हुण जिहड़ा फेरियर हाल जिहड़ा तुहानू दिखाया, हुण असीं चुके अगे जाना वा, अगे चलदे आ। दुनिया का हर शहर अपनी एक अलग पहचान रखता है। इन शहरों की पहचान में वहाँ की इमारतों या किसी मुनफरिद इमारती ढांचों का बड़ा अमल दखल है। इसी तरह अगर किसी गैर मुल्की को मज़ारे कायद या फ्रियर हाल की तस्वीर दिखाई जाए तो वो फौरन समझ जाता है कि ये कराची है। फ्रियर हाल को यादगार लैंडमार्क कहा जाता है। इस इमारत की तमीर 1860 में शुरू हुई और 1865 में इसे मुकम्मल किया गया। बाज किताबों के मुताबिक इसकी तामीर के लिए जमीन सेठ धूलजी दनशा ने अतिया के तौर पर दी, जबकि बाज मोरखीन का ख्याल है कि इसकी तामीर के लिए जमीन 2000 ब्रिटिश इंडियन रुपए में खरीदी गई। इस इमारत को साबिक अंग्रेज कमिश्नरों सर चार्ल्स और पीर इवान जेम्स का पेंट हाउस रहने का शर्फ भी हासिल है। इसकी तामीर का सेहरा सिंध के साबिक बरतानवी कमिश्नर सर हेनरी बर्टेल एडवर्ड फ्रियर के सर है। सर हेनरी बर्टेल एडवर्ड फ्रियर 1815 में पैदा हुए और इनका इंतकाल 1884 को हुआ। एडवर्ड इस इमारत को शहर का बड़ा मालियाती और मुआशी मरकज बनाना चाहते थे। उनके इंतकाल के बाद उनकी खिदमात के इतराफ के तौर पर इस इमारत का नाम उनसे मंसूब करके फ्रियर हाल कर दिया गया। कदीम वनेस्ट गातक और सरकोनक स्टाइल की बनी इस इमारत की तर्ज पर मुंबई में भी कई इमारतें तामीर की गई। अपनी तामीर के इब्तदाई जमाने में इसे टाउन हॉल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। क्या में पाकिस्तान के बाद इसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। यह इमारत बरतानिया के नौ आबादियाती दौर की याद दिलाती है। ये सिर्फ एक यादगार इमारत ही नहीं बल्कि एक अवामी तफरीगा भी है। अंग्रेजों के जमाने में इस इमारत के साथ क्वीन लॉन और किंग लॉन के नाम से दो सब्जाजार थे। क्या में पाकिस्तान के बाद दोनों पार्कों को एक करके इसे जिना गार्डन का नाम दे दिया गया। अच्छा वीरियो, ए जिहड़ा पार्क आ और ए जिहड़ा फेरियर हाल आ, ए जिहड़ा ना अवामी हाल दे नाम तो जिहड़ा पहला अवामी हाल बनिया सीगा। और इहदे विच जिहड़े अंग्रेज़ वगैरह सीगे उहनां दे कहिंदे ऑफिसिज़ वगैरह सीगे, दफ्तर वगैरह सीगे जिहदे च उह बैठदे सीगे। और इहदे एक तरफ जाइए एक नंबर गेट ते जिथे पहली जंगे आज़ादी की मोनूमेंट वगैरह जिहड़ी आ ना वो लगी आ,
और ये बहुत ज़बरदस्त था, यकीन करो मैनू बड़ा अच्छा लग्या। मैं तो ये कहांगा कि जितने लोग भी कराची आते हैं और वो इत्थे लाजमी जिहड़ा वा ना विजिट करन, और ये बड़ा खूबसूरत जिहड़ा ये हाल आ। बाकी चीज़ भी देखो तुहानू इहदे बारे च बाकी भी दिखा रहे हैं। फ्रीर हाल की डिज़ाइनिंग के लिए मुख्तलिफ माहरीन तामीर ने 12 नक्शे तैयार किए, जिनमें से मौजूदा इमारत का नक्शा मुंतखब किया गया। ये नक्शा हेनरी सेंट क्लेयर विलेंस ने तैयार किया। इसकी तामीर पर उस वक्त 1,80,000 रुपए लागत आई थी। इनमें से 10,000 रुपए हुकूमत ने अदा किए और बकिया रकम बल्दिया कराची के खजाने से अदा की गई। इस इमारत की ऊंचाई 144 फुट है। इसकी तामीर में जर्द पत्थर समेत भूरे और सुर्ख रंग का पत्थर इस्तेमाल किया गया है। इन पत्थरों पर रंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। इन पर पानी डाला जाए तो ये पत्थर बिल्कुल नए नजर आने लगते हैं। इमारत के मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल होने पर इमारत के साथ ही कथई रंग का एक खूबसूरत मीनार तामीर किया गया है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 7 फुट है। कहा जाता है की ये मीनार बलोच इन्फेंट्री से ताल्लुक रखने वाले उन जाबाजों की याद में बनाया गया है, जिन्होंने पहली जंग अजीम में अंग्रेज सरकार सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया था। कामे पाकिस्तान के बाद इस इमारत को कौमी विरासत करार दिया गया और इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक लाइब्रेरी कायम की गई। इस लाइब्रेरी को मुल्क के पहले वजीर आजम नवाबजादा लियाकत अली खान की खिदमात के एतराफ में उनके नाम से मंसूब कर दिया गया। इस लाइब्रेरी में 70,000 से जायद अलूम और फनून की कसीर तादाद में किताबें मौजूद थी, जिनमें कदीमो तारीखी खतूत और दीगर मखतूतात भी शामिल थे। इमारत की बलाई मंजिल में एक आर्ट गैलरी कायम की गई, जिसे बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मसव्वर सादिकीन के नाम से मंसूब कर दिया गया। इस आर्ट गैलरी की खास बात इसकी छत है, जिस पर सादिकीन ने बड़ी महारत से अपने फन पारों से मुजयन किया है। फ्रीर हाल को उसके माजी की शानो शौकत लौटाने के लिए इसके बाग की बहाली का काम शुरू किया गया। इस वक्त इस इमारत को एक इंतजामी कमेटी के सुपुर्द किया। इसका आगाज 13 अप्रैल को किया गया। उस वक्त इस इमारत को एक इंतजामी कमेटी के सुपुर्द किया जा चुका था, जिसे गार्जिन बोर्ड का नाम दिया गया। इस बोर्ड के क्याम की मंजूरी KMC काउंसिल से हासिल की गई थी। 2013 में एक बार फिर फ्रीर हाल की तजीनों आरइश की गई और सादिकीन के फन पारों को महफूज किया गया।